अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स, अगर आप लोगों के जहन में ये बात है कि फिंच का ब्रीडिंग सीज़न होता है, फिंच सीज़न में सीज़न ब्रीड करती है कि वैसे ही ब्रीड करती है, फिंच कौन से टेम्परेचर में ब्रीड करती है और कौन से टेम्परेचर में नहीं करती, तो ये सारा आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो सर्दियों के मौसम में सारे परिंदे ही ब्रीड करते हैं। सर्दियों का मौसम होता ही ब्रीडिंग सीज़न है, तो उसमें भी फिंच ब्रीड करती है और बहुत जल्दी जोड़ा लगा के और जल्दी से ब्रीड कर देती हैं। बाकी परिंदों की तरह इसका भी ब्रीडिंग सीज़न है सर्दियों का है। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें, गर्मी के सीज़न में, तो गर्मी के सीज़न में ये जोड़ा जल्दी नहीं लगाती। अगर गर्मी के शुरुआती दिन हैं तो तब ये जोड़ा लगा लेती है, लेकिन जब गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो तब ये जोड़ा नहीं लगाती। लेकिन पर यह ब्रीड, अगर आपका जोड़ा लगा हुआ हो तो फिर ये गर्मियों के सीज़न में भी आपको ब्रीड देती है। गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तब इसकी ज़रा ब्रीडिंग कम हो जाती है, या इसकी ब्रीड रोक देनी चाहिए, खुद ही रोक देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम फीमेल से ब्रीड लें तो फिर फीमेल बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसके मरने के भी चांस होते हैं, इसलिए तब इसे ज़रा ब्रीड सोच समझ के लेनी चाहिए। बाकी अगर आपका पेड़ लगा हुआ हो तो आप इसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम में भी आप इसे ब्रीड ले सकते हैं। बरसात का मौसम भी इनके लिए बहुत अच्छा मौसम है, बरसात के मौसम में भी ये बहुत अच्छी खासी ब्रीड देंगे। उसके बाद बात करने अगर हम मौसम बहार की, तो मौसम बहार में भी ये ब्रीड करती है और अच्छी खासी ब्रीड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो ये तो सारा साल ही ब्रीड करती है, तो जी हाँ, अगर आपका पेड़ लगा हुआ हो तो आप इसे सारे साल में जब मर्जी ब्रीड ले सकते हैं। पेड़ लगाने का मसला है अगर कि पेड़ कौन से मौसम में लगाएं, तो पेड़ आप बरसात के मौसम में लगाएं। बरसात के मौसम में आप पेड़ ले लें, पेड़ को 4-5 दिन लगेंगे सेट होने में आपस में, 5वें 6वें दिन वो जोड़ा लग जाएगा और फिर वो आपको ब्रीड देना शुरू कर देगा। इसलिए बरसात के मौसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में करें, वो बहुत अच्छा मौसम है। सर्दियों के मौसम में भी ये बहुत जल्दी पेड़ लगाते हैं, सर्दियों का भी ये फ़ायदा है, बरसात में भी ये बहुत जल्दी पेड़ लगा लेते हैं। गर्मी के शुरुआती दिनों में ये पेड़ लगाते हैं, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाए तब ये पेड़ नहीं लगाते। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। और अगर आपको एक बात मैं और बता दूं कि फिंच का ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, फिंच से आप जब चाहे ब्रीड ले सकते हैं पूरे साल में, लेकिन सिर्फ 2 महीने ब्रीड नहीं लेनी चाहिए और 2 महीने इसका जोड़ा भी जल्दी नहीं लगता, वो है जून और जुलाई के महीने, तब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके अलावा साल में 10 महीने आप इसे ब्रीड लें, 10 महीने में ये बच्चे निकाल अंडे बच्चे देगी आपको और बहुत अच्छा मुनाफा देगी। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई है कि फिंच का ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, इसे आप जब चाहे ब्रीड ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर आपने इस वीडियो के मुताबिक कुछ पूछना है, किसी बात की समझ नहीं लगी तो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।